हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई कैसे बना सकते हो आप इजीली घरों पे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर कि आप इस तरीके का पावर सप्लाई, 12 वोल्ट पावर सप्लाई कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं किस तरीके से मैंने बनाया है इस वीडियो में इस पावर सप्लाई को। तो वीडियो कम्प्लीट देखिएगा। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको चाहिए पीवीसी का टुकड़ा। कुछ इस तरीके से मैंने पीवीसी का टुकड़ा कट कर लिया है, जो कि आप पाइपों को हीट करके कुछ इस तरीके का सीट बना सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 6 इंचेस। कुछ इस तरीके से देख सकते हो गाइस, मैंने 6 इंचेस इसका लेंथ रखी है और कुछ इस तरीके से इसका 7 इंचेस है और इसकी लंबाई कुछ इस तरीके से 6 इंचेस इसका भी लंबाई रखी है और चौड़ाई जो है 2.5 इंचेस मैंने रखी है। दोनों का सेम है, कुछ इस तरीके से 6 है और 2.5 इंचेस है और इसकी जो लेंथ है कुछ इस तरीके से 7 इंचेस मैंने 7.5 रखी है और इसकी जो है इसकी भी 7.5 कुछ इस तरीके से मैंने रखी है। तो कुछ इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग काट काट लेना गाइस। तो कुछ इस तरीके से मैंने कटिंग करके उसे बॉक्स टाइप बना लूँगा, तो वीडियो फास्ट होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे बॉक्स टाइप बना लिया है फेविक्विक के मदद से। तो फेविक्विक के मदद से आप इजीली बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया है फेविक्विक के मदद से बॉक्स टाइप, उसे चिपका दिया। तो बहुत ही इजीली ये चिपक जाती है फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मेरे चैनल पे कुछ इसी तरीके का वीडियोस आती रहती है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने दोनों साइड में जो टुकड़े थे उसे चिपका दिया है और जो 7 इंचेस वाले टुकड़े हैं उसे भी कुछ इस तरीके से दोनों साइड से चिपका देनी है। अच्छे तरीके से चिपक जाती है फेविक्विक की मदद से। आप चाहो तो एमडीएफ बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। मैं पीवीसी पाइप का सीट का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती है, ईजिली आप बना सकते हो गाइस। तो कुछ इस तरीके से मैंने फेविक्विक की मदद से इसे अच्छे तरीके से चिपका दिया है। आपको भी चिपका देनी है, किसी भी चीज़ से चिपक जाती है, फेविक्विक के अंदर ग्लू से आप चिपका सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने अच्छे से इसे चिपका दिया है और दूसरे साइड जो 7 इंचेस का मैंने कट करा था उसे भी इसी इसी प्रकार से दूसरे साइड में भी चिपका दूंगा। इस प्रकार से मैंने बॉक्स टाइप बना लिया है और मेरे पास एक ओल्ड चार्जर था कुछ इस तरीके का, जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर का ओल्ड चार्जर था, जो कि चालू कंडीशन में था। उसकी बॉडी टूट जाने के वजह से ये यूज नहीं कर पा रहा था। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका मदरबोर्ड को निकाल लिया हूँ इसमें लगाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका मदरबोर्ड निकाला, जो कि यह चालू कंडीशन में है, और एक प्लग लिया है कुछ इस तरीके से, आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे इजीली मिल जाएगी। और इसमें होल कर देंगे एलईडी लगाने के लिए। 5 mm की एलईडी मैं यूज़ करूँगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने कैंची की मदद से होल कर लिया है, बहुत ही स्मूथली होल हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने 2 होल करा है। तो एलईडी जो 5 mm के एलईडी लिया था उसे मैं इसमें लगा करके फेविक्विक से चिपका दिया है। और जो मदरबोर्ड मैंने निकाला था 12 वोल्ट वाली, तो उसमें जो लाइन वाली कलेक्शन होती है, न्यूट्रल वाली, न्यूट्रल और फेज वाली जो कनेक्शन है, मैं उसका कनेक्शन कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने जो प्लग लिया था उसकी कनेक्शन मैं कर दूँगा, जो कि इनपुट 220 वोल्ट दूँगा इस मदरबोर्ड को, तो ये 12 वोल्ट देगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे सोल्डरिंग कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सोल्डरिंग कर देनी है, तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कैसा 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, आप उसे अकॉर्डिंग सोल्डरिंग कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने सोल्डरिंग कर दिया है मदरबोर्ड में, बहुत ही स्मूथली सोल्डरिंग हो जाती है। कुछ इस प्रकार से आपको सोल्डरिंग कर देनी है, बहुत ही ईजिली सोल्डरिंग हो जाती है। मैंने कुछ इस तरीके का लीड यूज करा है, जो कि 12 वोल्ट चार्जर में होती है। तो कुछ इस प्रकार का लीड आपको यूज करनी है
और इसमें आउटपुट 12 वोल्ट जो होती है वो, इसके लिए इस प्रकार से आपको सोल्डरिंग कर देनी है कैपेसिटर के प्लस वाली लेग पे और माइनस वाली लेग पे। तो कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिया है, बहुत ही स्मूथली कनेक्शन हो जाती है। और ये जो एलईडी है, जो कि मदरबोर्ड में जहाँ पे आपको एलईडी दिखेगी वहाँ पे आपको प्लस और माइनस में कनेक्शन कर देनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने मदरबोर्ड में से निकाल करके और इसे बॉडी में फिट कर दिया है, जो कि कुछ इस तरीके से मैंने प्लस और माइनस वाली वायर को कनेक्ट कर दिया है एलईडी पे, और प्लस वाली प्लस पे और माइनस वाली माइनस पे, जहाँ पे एलईडी थी पहले से वहीं पे कनेक्शन कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इससे भी अच्छे से मैं वीडियो बना दूंगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे बैक साइड जो खुला हुआ था उसे पीवीसी शीट से पैक कर दूंगा, और ये कम्प्लीटली बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।